अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान, आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और हमारी कोशिश यही है कि हम पाकिस्तान में जिधर भी जहां भी पाकिस्तानी बसते हैं हम उन तक पहुंचे और ऐसे पाकिस्तानियों को आपके सामने लाएं। आज हम पहलवान गोड में मौजूद हैं और यहां एक ऐसी स्टोरी शेयर करेंगे जिन्होंने छोटी सी उम्र में पोलियो का सामना किया और वो पोलियो से इफेक्ट भी हुई और उन्होंने इस जो चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि उसे ताकत बनाया, उस चीज़ को फेस किया और आज वो जो है सोशल मोबिलाइजर के तौर पे काम भी कर रही हैं और गली गली मोहल्लों में लोगों को अवेयर कर रही हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को वैक्सीनेशन की पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूर पिलाएं। जी, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम पहलवान गोट में मौजूद हैं और यहाँ के पोलियो के टीम सपोर्ट सेंटर में भी मौजूद हैं और हमारे साथ सोशल मोबिलाइजर सोनिया फैसल भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह से जो पोलियो के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। तो हम बात करते हैं अपने रियल पाकिस्तानी से। जी सोनिया, कैसी हैं आप और जिस तरह से माशाल्लाह से आप काम कर रही हैं पोलियो के ख़िलाफ़, हम ये जानना चाहेंगे कि इसका आगाज़ कैसे हुआ और आपकी कहानी किस तरह से शुरू हुई थी। मैं 7 महीने की चलती थी, फिर जब 9 महीने की हुई उस वक्त मेरे पैर में पोलियो हो गया। तो जब पोलियो हुआ तो मैं बिल्कुल चल नहीं सकती थी, मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान, सब घर वाले बहुत मसले मसाइल होते थे। फिर जैसे जैसे बड़ी होती रही, माँ बाप ने इलाज तो कराया पर बहुत मसले में थी, चलती नहीं थी बिल्कुल भी, पेरेंट्स भी मेरे बहुत परेशान रहते थे, मैं खुद भी बच्चों की तरह भाग दौड़ना नहीं कुछ नहीं कर सकती थी। तो बस जब बड़ी हुई, जब चलना शुरू करा, इलाज वगैरह हुआ, सब हुआ, फिर तो थोड़ा वैसे नहीं चलती थी जैसे नॉर्मल बच्चे चलते। तो बस उस वक्त से ये हुआ कि भाई मैं भी कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी कि और बच्चों को ना हो। फिर जब मैट्रिक में आई तो तब हमें पता चला कि डोर टू डोर पोलियो का प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो बस जब से मैं, मेरे बहन भाई भी कि नहीं हमारी बहन को है तो और नहीं हो, तो मुझसे छोटी बहन थी वो भी, हम दोनों थोड़े से ही छोटे बड़े, तो दोनों ही हम एक साथ काम करते थे, फिर दोस्ती भी हमारी वो भी, हम सब लोग मिलके बस पोलियो का गुलशन टाउन से शुरू करा, 99 से शुरू करा, वर्कर थी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब सुपरवाइज़र का आया तो सुपरवाइज़र बन गई। फिर सब लोग ये बोलते थे कैसे करेगी ये काम, इससे तो चला भी नहीं जाता, सब डॉक्टर्स वगैरह थे पर बहुत सब ने हेल्प भी करी। मेरा ऑपरेशन भी पोलियो के उससे हुआ, एक रशियन टेक्निक से, फिर इतना अब मैं चलती हूँ। पर ये कि जब से बस मुस्तकिल काम कर रही हूँ और चाहती हूँ बस ये कि बच्चों को पोलियो ना हो। और अब ये है कि सोशल मोबिलाइज़र हूँ, रिफ्यूज़ल पे जाती हूँ, वहाँ पर लोगों को बताती हूँ कि भाई आप देखें अगर नहीं पिलवाएंगे तो जो मेरे साथ हुआ है वो आपके बच्चे के साथ खुदा ना खास्ता ना हो जाए। तो उस चीज़ से बचाने के लिए बच्चों को बस। जी सोनिया, वैसे तो आपका जो एक्सपीरियंस है पोलियो के हवाले से वो तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि जो आपके पेरेंट्स हैं उन्होंने सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं लिया था, आपको वैक्सीनेशन नहीं करवाई थी पोलियो के लिए, आप क्या समझती हैं कि उनको कुछ इस तरह से फील होता है और फिर बाद में नो डाउट वही आपके पेरेंट्स आकर आपके ढाल भी बने और आपको काफ़ी सपोर्ट भी किया। असल में जो मेरी दादी थी ना वो बिल्कुल ख़िलाफ़ थी, वो हॉस्पिटल में बच्चे नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, वैक्सीनेशन नहीं होगी, बहुत टिपिकल सा माहौल था घर का। जब मुझे पोलियो हुआ ना उसके बाद से बच्चे हॉस्पिटल में होना भी शुरू हो गए, तो वैक्सीनेशन भी शुरू हुई और वो खुद मुझे लेके जाती थी हर हकीम हर डॉक्टर के पास, मेरी दादी और अब्बू हर जगह जाते थे फिर कि नहीं ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने इसको ना टीके लगवाए ना वैक्सीनेशन इसकी करवाई ना पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए। जी सोनिया, जब आपके साथ हुआ और आपको जब पता चला कि ये एक चीज़ आपके साथ हो चुकी है, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी, क्या गुस्सा आता था, कुछ होता तो होगा क्योंकि एक मायूसी भी होती होगी कि मेरे साथ इतनी बड़ी चीज़ होगी, मेरी ज़िंदगी चेंज होगी, तो क्या सोचती थी उस वक्त आप? बोल रही हूँ ना कि वो खुद इस बात का एहसास करते थे, मुझे नहीं होता था, मेरे अबू हर वक्त बस उनका ही होता था नहीं, जब मुझसे कोई काम नहीं हो रहा होता था ना वो बोलते थे नहीं हो जाएगा चलो करो, ये कॉलेज जा रहे हैं तो वैन नहीं बस में जाना था कि चलो ये नहीं करना इस तरह नहीं करना, वो खुद में मुझे मेरे अंदर हौसला पैदा करते थे कि नहीं ये कर लोगी। अच्छा सोनिया, क्योंकि हमने आपकी कुछ गुफ्तगू पहले भी सुनी थी जिसमें हमें पता चला था कि आपको 11-12 साल तक तो आपके वालिद खुद उठा के मेरे ख्याल से स्कूल लेके जाते रहे हैं, और वो किस तरह से मैनेज किया क्योंकि एक ज़िंदगी जब चेंज हो गई थी और आप पोलियो से इफ़ेक्ट हो चुकी थी, तो वो किस तरह से फिर आप लोगों ने ज़िंदगी को फ़ेस किया, मैनेज किया?
वो मुझे लेके, मैं कहती थी नहीं, मुझसे वाकई मुझसे नहीं चले जाता था। हत्या के अभी जब मैं मैट्रिक में थी, जब मैंने पोलियो शुरू करा, मैं हाथ रख के चलती थी घुटने पे, बिल्कुल ऐसे झुक के इस तरह मैं चलती थी। तो उस वक्त मुझसे चला ही नहीं जाता था, तो मेरे अब्बू जो थे, छोटे बहन भाई पैदल जाते थे और मैं उनकी गोद में जाती थी। अच्छा सोनिया, जब ये आपके साथ हो चुका था और नो डाउट जो जिस चीज़ों से आप गुजर रही थी, फिर आपने ये तय किया कि नहीं, मैंने ही एक आवाज़ बननी है, पोलियो के ख़िलाफ़ काम करना है, तो ऑफ कोर्स चीज़ें इतनी आसान तो नहीं हुई होंगी, तो उस वक्त आपको क्या मुश्किलात पेश आई? भाई मेरी मम्मी बोलते नहीं बाहर नहीं निकलो, लड़की है और डोर टू डोर जाना, आपको पता है कैसा मसले मसाइल होते हैं सब, फिर बड़े भी हो गए थे तो और ज़्यादा उनको बुरा लग रहा होता था। पर मैंने कहा नहीं अम्मी, मुझे जाना है, मुझे ये तो मुझे करना है, आप कुछ भी कहें ये काम मुझे करने दें। उस वक्त हमें पैसे भी नहीं मिलते थे, 80 रुपये पर डे मिलते थे, वो हमारे किराए में ही लग जाते थे ऐसे, पर बस करती थी कि नहीं ये काम मुझे करना है अम्मी, ताकि ना और बच्चे ना हों। जी अभी जैसे मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रही थी, ऑफ कोर्स इतना आसान नहीं था कि आप डोर टू डोर जाएं, लोगों के मुख्तलिफ रवैये देखें। ख़ुद आपने बताया कि आपकी दादी भी इस हक़ में नहीं थी कि पोलियो की वैक्सीनेशन जो है वो करवाई जाए, तो किस तरह से इन सारी चीज़ों को आपने फ़ेस किया? और ऑफ कोर्स कभी ऐसा भी टाइम हुआ होगा, मायूस भी हुई होंगी, जब आप मुख्तलिफ लोगों के रवैये देखें और उनको अवेयर करें कि नहीं आप लोगों ने बच्चों को वैक्सीनेशन देनी है, करवानी है, तो उस वक्त क्या था, किस तरह से ये सारी चीज़ों को देखें? भाई लोग बोलते थे खुद के पैर में है और हमारे बच्चों को पिलाने आ गई हैं, ऐसे इस तरह बोल रहे होते थे। तो मैं उस वक्त यही बोलती थी, मैं कहती थी जब भी तो मैं आई हूँ कि आपके बच्चे को ना हो, इसीलिए आ रही हूँ कि आपके बच्चे को ना हो और आप इस चीज़ को देखें अक्सर। और बच्चों की दादियाँ अक्सर, मेरा अभी भी जो पोश एरिया है उसमें अक्सर बच्चों की दादियाँ माएँ बोल रही होती हैं कि भाई पिला दें, पर दादी बोली होती नहीं। मैं कहती हूँ मेरी भी दादी की वजह से हुआ ये, मैं उन्हें फिर पूरा बताती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग मान जाती हैं कि हाँ नहीं आप सही बोल रही हैं, फिर बच्चों का पूछती हैं, सब घर फैमिली का ये सब चीज़ें पूछती हैं, तो फिर कन्विंस हो जाती हैं वो कि हाँ ठीक है आप सही बोल रही हैं। जी सोनिया, माशाल्लाह से आप इतने अरसे से इस मिशन के लिए, पोलियो के ख़िलाफ़ आप काम कर रही हैं, पोलियो को ख़त्म करना है पाकिस्तान से, तो हम ये जानना चाहेंगे कि कितने अरसे से आप इस चीज़ से वाबस्ता हैं, इस मुहिम से वाबस्ता हैं, और किस तरह से आप इसको काम कर रही हैं? मैं 99 में बताया ना मैंने आपको कि उस वक्त वर्कर थी, फिर सुपरवाइज़र बनी, फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद मेरी शादी हो गई, फिर 2-3 साल बीच में गैप था, फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि भाई मैं ये करना चाहती हूँ, अपने फैमिली में भी बोला तो उन्होंने कहा चलो ठीक है हस्बैंड, बल्कि वो भी मेरे साथ, टाइम बचता था तो वो मेरे साथ काम कर लेते हैं, मुझे लाना ले जाना बहुत मेरा, मुझे सपोर्ट करते हैं वो। पहले अब्बू भाई थे, अब हस्बैंड है, माशाल्लाह बेटा बड़ा हो गया, बच्चे भी बोलते हैं। सोनिया, अभी जिस तरह से आपने बच्चों की बात की, और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, ऑफ कोर्स वो आपके लिए परेशान भी होते होंगे कि जाहिर सी बात है अम्मा मुख्तलिफ घरों में जाती हैं और जिस तरह से आप काम कर रही हैं, कुछ कहते तो होंगे आपसे? हाँ मैं थक जाती हूँ तो परेशान होते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा आप जॉब करते हैं, पर जब मैं उन्हें बोलती हूँ ना नहीं बेटा मैं इस वजह से करती हूँ कि भाई मैं, मेरे पैर में मुझे मुश्किलात होती हैं तो दूसरे बच्चों को ना हो, फिर वो ये चीज़ वो बहुत अच्छी तरह अब समझने लगे, बल्कि अब वो खुद भी बोलते हैं कि आप हमें बता दिए करें हम भी जाएंगे आपके साथ, हम भी ये करेंगे। मैंने कहा नहीं अभी नहीं, अभी NIC नहीं बना, ये नहीं हुआ, वो लोग बोलते हैं दोनों जो बड़े बच्चे हैं। अच्छा सोनिया, आप दीगर जो खवातीन हैं, जो दीगर वर्कर्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मिसाल है, तो आई एम श्योर जो दीगर खवातीन हैं वो आपको देखते हुए फॉलो तो करती होंगी, और वैसे आप खुद किन किन मोहल्लों में जाती हैं और इस हवाले से पोलियो के लिए कहाँ कहाँ आपका जाना होता है? बहुत UC8 में, गुलशन टाउन का UC8 था, वहाँ पर हमने इसी तरीके से घरों में जाके वर्कर निकाले। उस वक्त वहाँ ये जिस तरह FCB का काम था, इस तरह CBV जब हुआ तो CBV का वहाँ पर कोई भी नहीं था। जी सोनिया, आपने इतनी मेहनत की है और काफ़ी ज़िंदगी में मुश्किलात भी देखी हैं, और मेहनत का फल तो ज़रूर और यकीनन मिलता है और आपको मिल भी रहा है, तो अब जब आप लोगों के पास जाती हैं और इतना काम भी कर लिया है, तो अब लोग तो अब यकीनन अब आपकी बात भी सुनते होंगे, किस तरह से अब जो है वो फीडबैक देते हैं, और वो तब्दीली तो आपने देख ली होगी, जो चेंज अब इन्हीं जो आपने काम किए इतने अरसे से उसमें तो वो चेंज भी आ चुका होगा। फिर मुझे ट्रांसफ़र किया गया था वहाँ पर, फिर हमने वहाँ से वर्कर सुपरवाइज़र सब पूरी टीम एक जमा करी, यहाँ पर भी सब हमारी टीम है, बहुत माशाल्लाह सब बहुत सपोर्ट भी करते हैं,
कभी ऐसा भी होता है, नहीं भाई तुम रहन दो हम लोग कर लेंगे, आप नहीं जाओ हम चले जाएंगे। जी सोनी, आप जो काम कर रही हैं यहाँ पे, आप लोग बच्चों की ज़िंदगी या नहीं बल्कि उनका फ्यूचर सेव कर रही हैं। आप क्या लगता है वक्त के गुजरने के साथ साथ अब लोगों में वो अवेयरनेस आई है पोलियो के खिलाफ जो वैक्सीनेशन बच्चों की वो करवाएं? नहीं आई है, जब भी तो देखें अब एक से दो केस बस, वरना आप पीछे चले जाएँ तो कितने केसेस हो रहे थे, लोग पोलियो वालों को मार भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उसके बावजूद सब आए इस काम में, काम को करा भी। सोनिया, हम लोगों की बिहेवियर की भी बात कर रहे हैं इस पोलियो के हवाले से कि मुख्तलिफ बिहेवियर देखते हैं, और काफ़ी हमने सुने भी, वाकयात भी सुने जो पोलियो के वर्कर्स हैं, फीमेल वर्कर्स हैं, उनके साथ हुआ। तो आप क्या समझती कि खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ इस तरह का कोई वाकया पेश आया, या आपकी जो कोलीग्स हैं जो आपके साथ काम करती हैं, दीगर जो खवातीन हैं, उनके साथ कभी कोई इस तरह का वाकया पेश आया हो कि वो घरों में जाएँ और वालदैन के जो मुख्तलिफ रवैये हैं, और खुदा न खास्ता आपको पता कभी बढ़ भी जाते हैं, तो आपने देखा? हम लोग खुद ही जिस वक्त पोलियो वालों को मार रहे थे उस वक्त हम लोग तो मुस्तकिल खड़े हुए थे, हम लोग काम कर रहे थे, सही है ठीक है भाई मर जाएंगे ना, ये बोलते थे जब कोई बोलता था ना, घर वाले भी या जैसे बाहर, कि भाई अब तो पोलियो वालों को मारे अब तो काम छोड़ो, तो उस वक्त हम लोग यही बोलते थे कि भाई सही है मर जाएंगे ना, ये तो अच्छे काम में मरेंगे अगर ऐसा हो जाएगा तो। अच्छा सोनी, आप तो अभी माशाल्लाह से काफ़ी समझदार हैं, काम भी कर रही हैं इस हवाले से, लेकिन जब आप ख़ुद थी, जब आपको पोलियो से आप मुतासिर हुई थी, तो उस वक़्त क्या कोई फीलिंग्स आती थी? बचपन में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद जब जब बड़ी हुई, जाहिर सी बात है जब शादी होती है तो उस वक्त कितनी मुश्किल आती हैं, तो मेरा अब्बू का ये था कि नहीं जब ये बिल्कुल सही हो जाएगी ना जब शादी करूँगा, मुझसे छोटी बहन की शादी कर दी, मेरी नहीं की, तो मेरी जो नानी हो ये लोग सब बोलते थे भाई बड़ी बेटी की शादी क्यों नहीं करो, अब उन्हें बोला नहीं इसकी जब भी करूँगा जब ये सही होगी, तो जब मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ तब फिर शादी हुई, जब बच्चे हुए तो तब भी यही हुआ कि यार बच्चे पता नहीं सही होंगे नहीं होंगे, ससुराल वाले सब यही बातें कर रहे होते थे, पर माशाल्लाह जब बेटा हुआ तो वो भी ठीक, बच्चे माशाल्लाह मेरे तीनों ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे सोनिया, आप जो बात बता रही हैं हमें भी काफ़ी हैरानगी होती है कि एक तो आप उनके बच्चों की ज़िंदगियां, उनके बच्चों का फ्यूचर सेव करिए, उल्टा वो आपके साथ जिस तरह से रवैया अपनाते हैं। भाई जब हम जाते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जो एरिया है, पहले तो स्लम एरिया था, पोश एरिया जो है उसमें तो डायरेक्ट वो बैंगलो वाले हैं, वो दरवाज़ा ही नहीं खोलते, अगर दरवाज़ा खोल भी लेते हैं तो भाई हमें नहीं पिलाना, मैं कहती हूँ ठीक है आप नहीं पिलवाइएगा पर थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, फिर बड़ा इंसिस्ट करते हैं तब जाके वो बात सुनने पे राजी होते हैं, फिर उन्हें बताया जाता है अच्छा ठीक है आप हमसे नहीं पिलवाइएगा हॉस्पिटल से पिला लिएगा, फिर ऐसे लाते लाते फिर उनको लाते हैं भाई देखें पोलियो हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप, ऐसा हो जाएगा, देखें मेरे साथ भी ये मसला है, मैं भी परेशान हो रही हूँ ना, नॉर्मल तो बच्चों की तरह नहीं चल सकते, बड़ों की तरह नहीं चल सकते ना, तो ये सब चीज़ें बस फिर उन्हें बताती हूँ। जी सोनिया, आप जो आपका काम है पोलियो के हवाले से, वालदैन से बात करने के हवाले से, मुख्तलिफ इलाकों में जाती हैं, लोगों से बात करती हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से उन्हें अवेयरनेस देती हैं, उन्हें अवेयर करती हैं इस हवाले से, किस तरह की आपकी कम्युनिकेशन रहती है, क्या तरीक़ेकार होता है कि वो आपकी बात सुने और आपकी बात माने? ये तो हमारे साथ देखें ऐसा है जैसे दिन में चार घर ऐसे ज़रूर मिलते हैं कि जो कहते हैं भाई जाओ जो नहीं पिलवाना, या शक्ल भी नहीं देखते, उन्होंने बस हमें देखा और चले जाते हैं, बोलना भी मुनासिब नहीं समझते, ये तो एक यूज टू वाली बात है ना कि दिन में चार दफ़ा आपके साथ ऐसा तो ज़रूर होता है, और ये खाली मेरे साथ ही नहीं होता, हमारी वर्कर सुपरवाइज़र UCCSO इवन के डॉक्टर्स भी जाते हैं तो ये ऐसे रिफ्यूज़ल तो हमें मिलते हैं जो ये बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, अक्सर मेरे साथ खैर नहीं हुआ कभी, पर ऐसा होता है लेडीज़ जाती हैं इनको बदतमीज़ी करते हैं, बाकायदा बदतमीज़ी कर की जाती है इनके साथ, कभी कुछ कहते हैं, जैसे मोहल्ले में हम जा रहे हैं रेगुलर, हम लोगों के पास एक ही एरिया होता है तो वहाँ वो लोग जानते हैं कि हम लोग पोलियो वाले हैं, तो वो फिर बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। जी सुनिए, ये जो हुकूमत जिस तरह से काम कर रही है पोलियो के ख़िलाफ़, जो इनके इकदाम हैं और बेहतरीन हैं, जब भी पोलियो काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हो चुका है और इस पर आप लोग भी सब मिलके काम कर रहे हैं, आप क्या समझती हैं कि जो हुकूमत काम कर रही है इसमें मज़ीद कोई इसमें बेहतरी लाई जा सकती है? लाई तो जा सकती है, पर यह कि ये जो अभी हमारा CBV वाला प्रोग्राम था ये बहुत अच्छा था, इसमें क्योंकि जब तक आपके पास जिम्मेदारी नहीं होती तो काम सही नहीं होता,
जिम्मेदारी थी, काम बहुत अच्छा हो रहा था, अब थोड़ा थोड़ा हटा दिया इन लोगों ने तो देखें। वैसे सोनिया, यहाँ पे आने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें तो हमें खुद भी काफ़ी पोलियो के हवाले से पता चली हैं, हमें ये बताएं कि पोलियो के कौन से ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं और किस तरह से होते हैं, और आपने कौन से पोलियो के प्रोग्राम जो हैं अब तक कर चुकी हैं या कर रही हैं? जैसे पोलियो होता है, मीजल्स होता है, हमारे यहाँ टीके लगते हैं बच्चों को, टाइफाइड के टीके लगते हैं, किसी ज़माने में MNT हुआ था उसमें टेटनेस के टीके लगे थे डोर टू डोर, इसी तरीके से इस तरह मुख्तलिफ प्रोग्राम होते रहते हैं यहाँ पर। RI का अभी हो रहा है, इसमें 12 दिन की कैंपेन हो रही है, बच्चों को टीके लग रहे हैं। जो बेटर एक्सपीरियंस की मैं बात, क्योंकि ऐसा होता है आमतौर पे लोग, आप लोगों के घर जाएं और आगे से वो दरवाज़ा आपके मुंह पे बंद कर देंगे, जाएं यहाँ से, आप हमारा टाइम वेस्ट ना करें, क्यों आ जाते हैं? ऐसे तो आई एम श्योर आपके साथ हुआ होगा। नहीं, मैं उनको बोलती हूँ कि भाई चलो, हमारी जो टीम है भाई, चलो मैं चल रही हूँ साथ में, मिल के फेस करेंगे कि भाई चलें। और ऐसा नहीं होता है, जब ऐसी UC8 में एक दफ़ा मेरी एक वर्कर थी, उनको मारा था एक पेरेंट्स भी क्या, उनकी वाइफ थी, उन्होंने मारा था। फिर तो मैंने फिर उनको नहीं छोड़ा था, फिर उनको हम पुलिस तक लेके गए थे कि भाई मारा कैसे हो। और वो कोई फार्म हाउस के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, उनके जो हस्बैंड थे, उनको हमने थाने में भी बुलाया था, तो वहाँ पर बुला के फिर हमने उन्हें बताया था कि पोलियो वाले कैसे। जी सोनिया, आप जिस तरह का काम कर रही हैं, इसी लिहाज से हमारी दुआएं आपके साथ भी हैं, इसलिए आप हमारी रियल पाकिस्तानी भी हैं। जो मिशन, जो बेड़ा आपने उठाया हुआ है कि पाकिस्तान को पोलियो से पाक करना है, आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान पोलियो से बिल्कुल पाक हो जाएगा? ये तो ज़रूर होगा। देखें, जहाँ हम एक पे आके खड़े हो गए तो 0 पे भी आएंगे ना, ऐसा तो नहीं। और फिर इतने सारे लोग जब काम कर रहे होते हैं तो फिर तो आप कह ही नहीं सकते ना कि भाई नहीं होगा। और सब जिम्मेदारी से, एहसास से काम कर रहे हैं, सब एक से एक जुड़े हुए हैं। जी सोनिया, आज हम आपसे बात कर रहे हैं और हमारे जो दीगर नाज़रीन हैं वो भी ये शो देख रहे हैं, उन नाज़रीन में पेरेंट्स भी हैं, तो आप क्या इस शो के तवस्सुत से उनसे कुछ कहना चाहेंगी जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनको पोलियो के लिए वैक्सीन जो है लगानी है, तो समझती हूँ उन्हें कुछ अगर आप मुनासिब समझें उनके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें। बिल्कुल, यही कहना चाहूँगी कि भाई आप लोग अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलवाएं और टीके लगवाएं, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी है तो आपकी भी है। आपसे जब बात रही है, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वे पोलियो की जो कैंपेन्स हैं किस तरह से डिज़ाइन होती हैं, कब स्टार्ट होती हैं और किस तरह से इसका आगाज़ होता है, और इस पे अगर मज़ीद हमें डिटेल्स आप बता सकें। के लिए ये किया जाता है कि हमारे यहाँ नालों से सैंपल लिया जाता है, उसके हिसाब से देखा जाता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो वायरस है और सब ये हैं अगर उसमें, तो फिर पोलियो कैंपेन होती है। और अगर केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं तब भी कैंपेन होती है बार बार, इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं हर चीज़ को। तो नहीं, एक्चुअली हमने पोलियो के हवाले से काफ़ी बुरा टाइम भी देखा, हम ये जानना चाहेंगे वो कौन सा टाइम था जब ज़्यादा जो केसेस बढ़ चुके थे और फिर उस पर काम करके उसको फिर कंट्रोल किया गया था। 2014 से शायद काफ़ी थे, जब से फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुए, उस वक्त बहुत ज़्यादा थे। वैसे सोनिया, आप तो दीगर ख़वातीन के लिए ख़ुद एक मिसाल भी हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे और ज़िंदगी में आपका क्या ख्वाब है, क्या क्या विज़न है, क्या मिशन है आपका, कि क्या करना है मज़ीद आके? आप पोलियो ख़त्म, हम लोगों का काम ख़त्म। तो आप चाहती हैं बस हम ये काम तब ख़त्म होगा जब ये पोलियो ही नहीं होगा? हाँ, क्योंकि यानी जब हम एक पे आ गए, अब ख़त्म होगा तो फिर नाम होगा ना, अभी तो हम लोग बीच में हैं, जब ये पोलियो ख़त्म हो जाएगा तो। सोनिया, ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई होती और उनके बच्चे इफ़ेक्ट हो जाते हैं पोलियो से, और जब आप उन बच्चों को देखती हैं तो फिर क्या होता है, क्या उन बच्चों में क्या आपको अपना आप दिखाई देता है, क्या लगता है उस वक्त, क्या फीलिंग्स होती हैं आप? मुझे बहुत अफसोस हो रहा होता है कि हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे और ये बच्चे कैसे, क्योंकि वो फिर मुझे पता है ना कि किस तरीके से ज़िंदगी गुजरती है, फिर कि एक एक दिन किस तरीके से गुजर रहा होता है उस बच्चे का, ये माँ बाप भी नहीं जानते, वो बच्चा जानता है और वो फिर पूरी जिंदगी भुगतता है, पेरेंट्स नहीं जानते वो। और अभी तक उसका दर्द होता है जो पोलियो की जो आपने जो सा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, आप बताएं। तो वो अपने अंदर रखती है, शेयर करती है, अपने काम के अंदर उसको खत्म करती है। हाँ, काम है, अपने हस्बैंड से भी बोलती हूँ, उन्हें भी बताती हूँ कि मेरे साथ देखें ये हुआ था,
और अब देखें इस बच्चे के साथ हो रहा है, या ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अच्छा सोनिया, एक्चुअली ये जो मिशन है, ये काम है, ये बगैर टीम के तो हो ही नहीं सकता। हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी कौन सी टीम है, किस तरह से टीम काम करती है, और उस टीम के हवाले से हमें बताएं आप। मैं कॉमनेट की तरफ से काम करती हूँ। मेरे सुपरवाइजर जो हैं वो हसन शुएब हैं, और मेरे साथ जो SM हैं, 7 SM हैं हम लोग, जिसमें तारिक भाई हैं, जहांगीर है, जमीर, फातिमा, हसीना, हम लोग सब मिलके काम करते हैं। अलग अलग एरियो में भी जाते हैं, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अच्छा वैसे सोनिया, पोलियो के खात्मे ने जो एक टीम ने, तो लगता है कि पूरी एक फैमिली बन चुकी है, और आप लोग अपनी गमी खुशी में सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं आप लोग। हमारे जैसे 50 सुपरवाइज़र हैं, इसी तरीके से वर्कर हैं, SM हैं, जितने भी हमारे ऊपर से नीचे तक सब, आप अगर देखेंगी तो सुबह में आप आएंगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक खानदान में आ गई हैं। सब एक खानदान ही है, खुशी गम में सब एक दूसरे का साथ देते हैं। सब यहाँ पर बहुत अच्छा एक माहौल होता है, कोई गलत चीज़ नहीं है, सब ऐसा लगेगा आपको जैसे एक फैमिली में आप आ गई। सोनिया, आप खुद सबके लिए एक मिसाल हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पोलियो के खिलाफ जो काम हो रहा है, जो सोशल वर्कर्स हैं, जो दीगर खवातीन हैं, इसमें और भी ऐसी खवातीन हैं जो खुद पोलियो से इफेक्ट रही हों और उनको भी इस तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, और वो आज इस हवाले से काम कर रही हैं। कोई ऐसी खवातीन या लड़कियाँ या कोई हैं काम करने वाली? बिल्कुल, और पोलियो में हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पोलियो है और वो काम कर रहे हैं। हमारे पास भी एक बच्ची है जो मैं जिस तरह मैं अभी आपको बता रही थी, मैं जिस वक्त वर्कर थी उस वक्त हाथ रख के चलती थी, ऐसी एक बच्ची है यहाँ पर आती है, वो वर्कर है हमारी, वो काम करती है बिल्कुल वैसे। उसको आपने इनकरेज किया कि नहीं तुम और? नहीं, मैंने नहीं किया। मैं जब यहाँ आई हूँ तो मैंने वो देखा कि वो यहाँ पर काम करती है, तो वो करती है। और बहुत से ऐसे आप अगर देखेंगे पाकिस्तान में बहुत से पोलियो वर्कर या सुपरवाइजर ऐसे हैं जो उनको पोलियो है और वो लोग काम कर रहे हैं। वैसे सोनी, आप तो खुद माशाल्लाह से काफी मजबूत भी हैं, ब्रेव भी हैं, काम भी कर रही हैं। अब जो नए आने वाले हैं, जो आपकी जूनियर्स हैं, वो तो जाती हैं डोर टू डोर और मुख्तलिफ लोगों के रवैये भी देखती होंगी, और कभी परेशान भी हो जाती होंगी, कभी मायूस भी हो जाती होंगी, और आपके पास भी आती होंगी, तो फिर आप उनको किस तरह से इनक्रेज करती हैं, उन्हें कहती हैं कि नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, इसको इसको फेस करना है? बिल्कुल वही है ना कि भाई हम तो काम ही आपके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो जो सैलरियाँ हम लोगों को मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि आप समझें कि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा हमें सैलरियाँ मिल रही हैं और उसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। जी सोनिया, अभी हम आपकी गुफ्तगू ही सुन रहे थे, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रवैये, लोगों के पास जाना, तो आई एम श्योर ज़िंदगी में आपके साथ कोई ऐसा बिटर एक्सपीरियंस तो हुआ होगा जिसमें आपने सोचा होगा क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे इतनी ज़रूरत तो नहीं है। कभी तो सोचा होगा नहीं, मुझे गिव अप कर दिया हो कि नहीं अब मैं नहीं कर सकती, इस तरह का आई एम श्योर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो? मुझे तो इसके बारे में नहीं पता। यानी आप मुतमईन है सारी चीजें? हाँ, कर रही सब क्या हुकूमत बहुत है। अच्छा काम कर रही है, तकरीबन सब बहुत अच्छा है, आप मुतमईन है सारी? हाँ। जी सोनिया, हमें मालूम हुआ है कि माशाल्लाह से आपको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारे इम्तियाज के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और कैसे हुआ और इसमें क्या आपकी फीलिंग्स हैं? ये बहुत बड़ी बात है। जी, मेरे ऑफिस वालों ने मेरा नाम दिया है वहाँ पर आगे, और फिर उन लोगों ने पेपर्स मंगाए कि भाई आप पेपर्स लाइए अपने सारे, और डॉक्टर शबनम होती हैं वहाँ पर, तो उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया कि भाई आप आइए, ये ऐसे ऐसे पेपर्स लेके आइए, वो लेके गई फिर, और वो मुझे बताती रहती हैं कि भाई आपके पेपर्स यहाँ तक चले गए, पर्सनली वो मुझे बताती हैं कि मैं वो ख़ुद कहती हैं कि भाई मैं चाहती हूँ कि आपको मिले, और इस्लामाबाद तक पेपर चले गए, अब देखें आगे क्या होता है। सोनिया, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया है, और इसमें जो मिशन आपका है, इसमें मेरी टीम बल्कि पूरे पाकिस्तान की दुआएं आपके लिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान को पोलियो से पाक कर दे और हमारे बच्चे जो हैं सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी गुजारे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, हमारे साथ हसन मौजूद हैं जो कि UC कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं। हम इनसे जान सकेंगे सोनिया के हवाले से जो हमने इनसे बात की। जी, हमने सोनिया से बात की और माशाल्लाह से जो उनका जज्बा है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में पोलियो से फ्री किया जाए, आप क्या समझते हैं जो काम जो हो रहा है पोलियो के हवाले से वो किस तरह से, और आने वाले दिनों में हम ऐसा पाकिस्तान देख सकेंगे?
बिल्कुल, अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए और सोनिया का जो जज्बा है, जिस जज्बे के साथ वो काम कर रही है, मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले सालों के अंदर हम पोलियो का खात्मा कर लेंगे। करंट सिचुएशन के हवाले से हमारे पास एक ही केस है। हमारी उम्मीद ये है कि मुसलसल कैंपेन्स के थ्रू हम वो एक केस और जो वायरस सर्कुलेशन है उसको भी हम खात्मे की तरफ लेके चले जाएँ। अच्छा सर, हमारी कोशिश है इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम दीगर जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयरनेस दे सकें, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि वो इसके लिए आपके साथ किस तरह का तआमुन करें? बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि हम हर बच्चे को हर मुहिम में वैक्सीनेट कर दें। क्यों? क्योंकि इस बीमारी का खात्मा इसी तरह हो सकता है जब हर बच्चा एक ही साथ एक ही मुहिम के अंदर वैक्सीनेट होगा। मेरी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी टीम के साथ तआवुन करें। अगर हमारी टीम के साथ नहीं तो प्राइवेट हॉस्पिटल सेंटर्स होते हैं जो उनकी फैसिलिटेशन के लिए बनाए गए, वो लोग वहाँ पर जाके ओपीवी की वैक्सीनेशन, ओरल पोलियो वैक्सीन लगवा सकते हैं अपने बच्चों को, और इसी अजम में पोलियो फ्री करने के लिए पाकिस्तान को हमारा साथ दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी सोनिया फैसल, जो इतना ज़बरदस्त और बेहतरीन काम कर रही है। इनकी कोशिश है, इनका जज्बा है कि पाकिस्तान को पोलियो से फ्री किया जाए, और हमें चाहिए कि हम सब जो हैं उनके साथ तआवुन करें। जो ऐसे वर्कर्स जो आपके घरों में आते हैं डोर टू डोर, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके साथ तआवुन करें, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम अपने बच्चों को एक सेहतमंद ज़िंदगी दे सकें, एक रोशन पाकिस्तान की तरफ ले जा सकें, तो हमें अपने बच्चों को वैक्सीनेशन की तरफ जरूर जाना चाहिए। तो मुझे मोना खान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।